I get up. Time is better. Hey guys, welcome back. कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर आज का वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टीनेजर कैसे अपने बालों को ब्लैक कर सकते हैं। दोस्तों, स्कूलिंग बॉयज गर्ल्स के बाल बहुत जल्द सफेद होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन की कमी हो जाती है। बच्चे आसपास का कुछ मतलब हेल्दी खाना तो नहीं खाते हैं, यू नो पैकिंग फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, चिप्स खा लिए, चॉकलेट्स खा लिए, इसी में अपना पेट जो है वो फुल कर लेते हैं। तो प्रोटीन की कमी होने की वजह से, और बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हमारे बाल जो है वो छोटी उम्र में ही सफेद हो जाते हैं। प्रोटीन से भरा हुआ, कैल्शियम, पोटाशियम, फास्फोरस, इन सभी चीजों से भरा हुआ आज का जो डीआईवाई है, जिसकी मदद से आप अपने बालों को ब्लैक कर सकते हैं, जड़ों से काला कर सकते हैं। तो जड़ों से काला करने के लिए आज का डीआईवाई जरूर देखिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं इस तेल को हमने बनाना कैसे है। लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है और जो बेल आइकन है उस पर क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा आने वाला वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपसे स्किप ना हो पाए। सबसे पहले ऑयल डालूंगी। कोकोनट ऑयल बहुत बढ़िया होता है हमारे बालों के लिए। आपके पास जितना कोकोनट ऑयल है आप उतना डालने की कोशिश करें। तो अब मैंने इसके अंदर कोकोनट ऑयल डाल दिया है। कोकोनट ऑयल के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, जिसे हम कह सकते हैं रिच जो मात्रा में होता है, वो विटामिन के होता है, और इसके अंदर विटामिन ई भी पाया जाता है, जो हमारे बालों में से डैंड्रफ को ख़त्म करके बालों में अच्छा खासा मॉइस्चराइज भरता है, जिससे हमारे स्कैल्प काफ़ी मजबूत होते हैं, और ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को हेल्दी भी बनाता है और हमारे बालों को अच्छा खासा कंडीशन भी करता है। तो ये हो गया कोकोनट ऑयल, जो हमने एक बर्तन में डालना है। मैं आपको करके दिखा रही हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, इतना जो ऑयल है वो डालने की कोशिश कीजिए। तो खैर, अब मैंने इसके अंदर कोकोनट ऑयल डाल लिया है। अब जो अगले इंग्रेडिएंट मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ, अब दोस्तों, एक चम्मच मैं इसके अंदर मेथी दाना डाल रही हूँ। मेथी हमारे बालों के लिए बहुत बढ़िया होती है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर होती हैं। इसके अंदर भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, विटामिन सी इसके अंदर होता है, आयरन होता है, पोटाशियम होता है, जो कमज़ोर से कमज़ोर बालों को भी हेल्दी स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। अगर आपके बाल बहुत जल्द ग्रे हो रहे हैं, तब उनकी उन ग्रेनेश को भी, ग्रे बालों को भी ये रोकता है और बालों को काला करता है। ये जड़ों से अपना काम शुरू करता है और अपना असर दिखाता है, जिससे बाल काले होना शुरू हो जाते हैं। छोटी उम्र में जब बच्चों के बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, तो वो इस नुस्खे का इस्तेमाल ज़रूर करें, जिससे उनके बाल जड़ों से काले आना शुरू हो जाएंगे। अब जो अगला इंग्रेडिएंट मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ, वो है दोस्तों कलौंजी पाउडर। अब दोस्तों, एक चम्मच मैं इसके अंदर कलौंजी डाल रही हूँ। ये काले कलर की होती है और बालों को दोबारा से लेकर आने में हेल्प करती है। गंजेपन का अगर आपको प्रॉब्लम है, आपके बालों में बहुत गंजेपन आ गया है, बाल आगे से उठ गए हैं, तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आपको हेयर फॉल का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, हेयर फॉल नहीं रुक रहा है, खाने वाली मेडिसिन भी ले ली है, लगाने वाली भी ले ली है, तब भी आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में फैटी एसिड होता है, और फैटी एसिड हमारे बालों को सॉफ्ट सिल्की बनाने के साथ साथ बालों को काला करता है, गंजेपन की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, हेयर को सॉफ्ट करता है, और इसके अलावा बालों को सॉफ्ट करने के साथ साथ बालों को काला करता है, बालों को झड़ने से रोकता है। तो हमने इसका उपयोग जो है वो करना है। अब दोस्तों, मैं इसके अंदर कुछ जड़ी बूटियां डालने वाली हूँ। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, अभी आप सोचोगे कि ये क्या घास फूस है। वेल, मैं आपको बता दूँ, ये वो जड़ी बूटियाँ हैं जो आपके बालों को, आपके बच्चों के बालों को, आपके बालों को काला करने में आपकी बहुत हेल्प करने वाली हैं। ये जड़ी बूटियाँ कौन सी हैं, मैं आपको वो भी बताती हूँ। वेल, इसके अलावा आपको ये भी बता दूँ कि ये जड़ी बूटियाँ आपके बालों को मजबूत करने में, काला करने में बहुत हेल्प करती हैं। जैसे कि इसके अंदर मैंने डाला है ब्रह्मी, जटामासी, और इसके अलावा अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट, और इसके अलावा मैं इसके अंदर डाल रही हूँ शिकाकाई एंड आंवला। दोस्तों, शिकाकाई एंड आंवला जो है वो मैंने तेल में भून लिया था। अभी याद रखें, आपने इसे नारियल के तेल में अच्छी तरह से भून लेना है।
जैसे कि अभी आप देख सकते हैं ये काला हो गया है, और इसकी जो गुठलियां बच जाती हैं वो भी आपने डालनी है इसके अंदर, आंवला की गुठलियां वो भी हम इसके अंदर डालेंगे, शिकाकाई आंवला एक्सट्रैक्ट सभी इसके अंदर हैं, तो भी आप देख सकते हैं इतनी ये है और सभी मैंने इसके अंदर डाल दी है। तो ये जो मेरा जड़ी बूटियों वाला एक तेल है, एक मिश्रण जो है वो बनके रेडी हो चुका है। अगर जैसे कि आपने टाइटल पढ़ा है, छोटे से छोटे बच्चे जिनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, स्कूलिंग बॉयज़ गर्ल्स जिनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, हमने ये तेल उन सब के लिए बनाया है। तो कांच के बर्तन में हमने इसे बनाना है और इसे अच्छी तरह से ढक लेना है, और आपने इसे 10 से 15 दिन तक धूप में रखना है। धूप में इसलिए रखना है ताकि कांच का बर्तन जो है वो धूप को बहुत जल्दी लेता है, जिससे बर्तन अच्छा खासा गर्म होता है। अगर ये हीट लेता है उससे इसके अंदर के जो भी इंग्रेडिएंट हमने इसके अंदर डाले हैं वो तेल के अंदर अपनी गुडनेस को छोड़ देते हैं, तो इसीलिए मैंने कांच के बर्तन का उपयोग किया है। आपने भी कांच का बर्तन ही लेना है और उसके अंदर ऑयल डालना है। आप जितना ऑयल डालें उतना डाल सकते हैं, उसके हिसाब से आपको इंग्रेडिएंट जो है वो थोड़े ज़्यादा लेने पड़ेंगे। अब क्योंकि मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ तो मैं इसके अंदर सभी चीज़ें डाल लूँगी और 10 से 15 दिन तक मैं इसे धूप में रखूँगी। जब ये रेडी हो जाएगा 15 दिन के बाद, मतलब पहले आपने इसे धूप में रखना है, जब छाएं आए फिर आपने इसे अंदर कर लेना है, घर के अंदर रख लीजिए। जब दोबारा से धूप आए फिर आप इसे धूप में रखें। इसी तरह से जब आपने इसे यूज़ करना होगा, एक छोटे से कटोरे में डालिए, जितना ऑयल आपको चाहिए उतना डालिए और अपने बालों में अच्छी तरह से मसाज करें। अगर आप वीक में 2 से 3 बार इसकी मसाज करते हैं और ओवरनाइट पूरी रात उसको लगाकर छोड़ते हैं, सुबह अपने बालों को वॉश करते हैं, इससे आपके बाल नेचुरल तरीके से काले होंगे। आपको कोई भी मेहंदी वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पार्लर में जाके पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर में ही आपकी नेचुरल जो ऑयल है वो रेडी हो चुका है, जो आपके बच्चों के और आपके सबके बालों को काला करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। ट्राई जरूर करें। अगर ये नुस्खा पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। सो एवरीवन, आई होप आप लोगों को ये DIY जरूर पसंद आया होगा। अगर ये तेल आपको पसंद आया ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप देखना चाहते हैं आगे आगे इस प्रोसेस को मैंने कैसे यूज किया, इस तेल को मैंने कैसे यूज किया, या फिर कोई भी फेस पैक जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ, अगर उनके बारे में भी मुझसे जानना चाहते हैं जो आप लोग नीचे कमेंट करते हो, मैम फेस पे नहीं लगा के दिखाया, तो यार इतनी कॉस्टली इतनी अच्छी रेमेडी बनाती हूँ तो उसे वेस्ट तो करने के लिए नहीं बनाती ना, तो उसके लिए आप मेरा दूसरा चैनल इंडियन ब्लॉगर एमजीत देख सकते हैं, जिसके ऊपर जब भी मैं कोई भी घर की कुछ भी कर रही होती हूँ तो आप लोगों के सामने लाइव दिखाती हूँ। तो मिलूंगी नए DIY के साथ। दोनों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि दोनों चैनल के ऊपर बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो आप लोगों के साथ मैं लेकर आती रहूंगी, शेयर करती रहूंगी, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। तो मिलती हूँ DIY के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।